हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, कि यूपी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 85% के लिए यूपी डोमिसाइल के लिए क्या रह सकता है। ये लगभग इसी के आसपास जाना है, बल्कि आप इसको भी मान सकते हैं यही कट ऑफ रहने वाला है। तो पहले 2020 का बात कर लेते हैं। 2020 काउंसलिंग में आपके पास टोटल 22 गवर्नमेंट कॉलेज थे। इसके बाद आप अगर 21 की काउंसलिंग में देखेंगे तो यहां पे 9 गवर्नमेंट कॉलेज और ऐड हुए हैं, तो इसका फर्क भी इस पे पड़ेगा। बट जो फाइनल आपका कट ऑफ निकल के आएगा तो वो जनरल को 598 आप मान सकते हो, ये जनरल के लिए कट ऑफ रहेगा 598। ईडब्ल्यूएस के लिए आप बहुत ज्यादा 597 या 596 मान सकते हैं, इससे डाउन भी नहीं जाएगा। वैसे ही ओबीसी के लिए आप 596 या बहुत ज़्यादा 595 तक मान सकते हैं। एससी का कट ऑफ 460 प्लस ही रहने की उम्मीद है और एसटी का 270 कट ऑफ रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेज की। प्राइवेट कॉलेज में कट ऑफ डाउन बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी बच्चे काउंसलिंग करेंगे तो ये वो पहले से मान लें कि कट ऑफ का इंक्रीमेंट ज़रूर होगा, चाहे वो हर कॉलेज में प्लस 20 मार्क्स हो, कुछ कॉलेज में वो 40 मार्क्स भी हो सकता है जो शुरू के एक दो कॉलेज हैं, उसके बाद भी आपको कुछ ना कुछ यूपी में प्राइवेट कॉलेज में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से चैनल पर लगभग सभी राज्यों के कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो, और जब काउंसलिंग होगी तो पूरा काउंसलिंग वीडियो मिलता रहेगा। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग आसान तरीके से करना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रह सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।